हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं और अभी सभा खत्म हुई है, उनसे सीधे मुखातिब होते हैं। सर, अंतिम चरण का मतदान बाकी है, 6 चरण हो गए, क्या फीडबैक मिल रहा है सर? सही सही बताइए। सही सही, मोदी जी जा रहे हैं, गुड बाय हो रही है मोदी जी की, कांग्रेस पार्टी आ रही है, जबरदस्त जीत होगी। बहुत गुस्सा है लोगों में, बेरोजगारी बिहार में तो स्पेशल, बिहार को तो बेरोजगारी का दुनिया का सेंटर बना दिया है नीतीश जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों की समस्या है, भ्रष्टाचार, राफेल में 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने चोरी करके अनिल अंबानी को दिए, तो ये तो मुद्दे हैं। और नरेंद्र मोदी, पूरा देश बेरोजगारी की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी आम की बात कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि मैं आम ऐसे खाता हूँ, पेड़ पे चढ़ के खाता हूँ, पेड़ से तोड़ने के बाद आम ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मोदी जी किसी और दुनिया में है, देश किसी और दुनिया में है। राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वो तो कहते हैं कि चारों तरफ जो है वो बाहर ही बाहर है, हमने इतने काम किए, मैंने सिलेंडर दिया है, हमने सारा कुछ किया है, फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग सरकार में आ रहे हैं। सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, केरोसिन की जो सब्सिडी पहले मिलती थी वो हटा दी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कर्जा माफ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ किया, कहीं नहीं किया। MSP बढ़ी नहीं बढ़ी, 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने बीमा योजना में अपने मित्रों को दिए, किसान से छीन कर पैसा दिया है, तो वो तो देश जानता है। अब नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में कहा था, मैं मतलब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों का काम करूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट पर डालूंगा, कुछ नहीं किया, तो वो तो साफ है। अच्छा भैया, दूसरों से भी आप सर एक लास्ट सवाल, सर एक लास्ट सवाल। अच्छा, एक बार जहाँ पे भी आप जा रहे हैं इस चुनाव में एक चीज देखने को मिल रहा है, आप पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपके पिताजी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इंदिरा जी के सवाल किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को कैसे बर्दाश्त करते हैं, क्या करते हैं? जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो उनके दिल में है, वो मेरे ऊपर मेरी ओर गंद फेंकते हैं, मैं उनके प्यार भेजता हूँ, मैं गले मिला उनसे, जो भी वो कहना चाहते कह लें, मेरे परिवार के बारे में कह लें, सच्चाई तो जनता जानती है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये देखिए, अब बाकी इनका भी प्लीज, तो सुनो, तो सच्चाई तो जनता जानती है, राजीव जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो भी मेरे ओर कचरा फेंकना चाहें फेंकें, मैं उनको प्यार ही दूंगा। धन्यवाद। तो ये थे राहुल गांधी, और कॉन्फिडेंस हाई है इनके, जो है उनका कहना है कि सरकार जो है वो कांग्रेस के बनने वाली है, लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख के जो नतीजे हैं जनता ने किसे सौंपा है। पटना से रवि एस नारायण, कैमरा पर्सन सुबोध के साथ।